हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए दिल्ली मेट्रो की एक नई अपडेट लेकर के आया हूं। और दोस्तों अपडेट है 2019 की भर्ती से जुड़ी हुई, यानी कि दोस्तों यहां पर जो डीएमआरसी है उसने 2019 की जो भर्ती है उसका जो एक पद है उसका एक और जो वैलिडिटी डेट है वो यहाँ पर जारी कर दिया है, यानी कि दोस्तों उसे भी जो है अब 2023 तक यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो दोस्तों कौन सा पद है वो, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है मेट्रो के एग्जाम से संबंधित और मेट्रो की जो नई भर्ती है उससे संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो दी जाती है। और दोस्तों जल्द ही आपके लिए जो दिल्ली मेट्रो है उसका जो आरटीआई का जो वीडियो है वो आने वाला है। तो दोस्तों अब जो है मैं आपको वो जो नई अपडेट है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो डीएमआरसी है उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो हमने यहाँ पर ओपन कर ली है। अब दोस्तों मैं आपको वो जो नई अपडेट है वो दिखा दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसमें जो चार नंबर का जो सेक्शन है वो ओपन कर लिया है। और दोस्तों इसमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हमारे सामने एक नई अपडेट निकल करके आती है। और दोस्तों वो अपडेट क्या है वो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो अपडेट जारी की गई है उसमें है नोटिस। तो दोस्तों ये जो नोटिस है वो 4/5/2022 को यहाँ पर जारी किया गया। और दोस्तों इसमें है कि एक्सटेंशन इन वैलिडिटी ऑफ पेनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड CC RNE 13, यानी कि दोस्तों जो RNE 13 का जो पद है उसका यहाँ पर जो वैलिडिटी है उसका जो है यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों एक बार इसी नोटिस को हम यहीं से जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो DMRC है इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों ये कल का नोटिस है। और दोस्तों अब जो है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई गई है। इसमें दोस्तों देख सकते हैं असिस्टेंट CC यानी कि RNE 13, तो दोस्तों इसकी वैलिडिटी को बढ़ा करके 19/4/2023 कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब जो है 2023 तक इस पद पर जो है DMRC ज्वाइनिंग देगी। यानी कि दोस्तों जिन कैंडिडेट का अभी तक DV नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ है, उन्हें 2023 तक यहां पर जो है बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जिन भी पदों का जो वैलिडिटी है 2023 किया गया है तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहां पर अभी तक DMRC में नई वैकेंसी आने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। और साथ ही दोस्तों इनका जो ज्वाइनिंग है वो भी 2023 तक किया गया है, इसका मतलब इन्हें जो है ज्वाइनिंग 2023 के अंत तक यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि ये जो डेट दी गई है उसके अंत तक दी जाएगी। और दोस्तों उससे पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग के कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर जल्द ही ज्वाइनिंग दी जाती तो इसकी वैलिडिटी को यहाँ पर एक साल के लिए नहीं बढ़ाया जाता। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो DMRC है उसमें अभी तक नई वैकेंसी के जो है बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि जो DMRC है उसमें अभी भी काफ़ी सारी पोस्टें वैकेंट हैं। और दोस्तों अगर DMRC नई वैकेंसी जारी करे तो उसके लिए अवेलेबल है इतनी सीटें कि वो नई वैकेंसी जारी कर सकती है। लेकिन दोस्तों वो जो है धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी ओर बढ़ रही है, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है नई वैकेंसी नहीं आ रही है। और दोस्तों एक रीज़न ये भी है कि जो COVID-19 है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है मैन पावर की जो आवश्यकता है वो काफ़ी कम थी, इसीलिए भी यहाँ पर जो है नई भर्ती नहीं आई है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।